दोस्तों, दिल वालों के दिल्ली का नाम जब भी आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल खाने का ही आता है, और अगर लड़की है तो आपके दिमाग में शॉपिंग का ख्याल जरूर आएगा। कहा जाता है कि दिल्ली में दिल्ली वाला कोई नहीं रहता है, बल्कि हर एक स्टेट के आपको कोई ना कोई दिल्ली में जरूर मिल जाएगा। यानी कि दिल्ली में देश बसता है। दिल्ली का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है। देश की राजधानी दिल्ली कई मामलों में हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। कभी पॉल्यूशन तो कभी पॉपुलेशन तो कभी बाकी राजनीतिक कारणों से। लेकिन क्या होगा कि हमारे देश की राजधानी बदल दी जाए, यानी दिल्ली के बजाय किसी और सिटी को हमारे देश की राजधानी बना दिया जाए। ये सुनने में काफ़ी अटपटा लगता है ना, लेकिन क्या सच में हम किसी और शहर को अपने देश की राजधानी बना सकते हैं? आपके सवाल का जवाब हम देंगे आज की इस वीडियो में। देश की राजधानी दिल्ली हमेशा से भारत की राजधानी रही है। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो बहुत पुराने समय से ही दिल्ली भारत की राजधानी रहती आ रही है। महाभारत के समय में इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, और उस समय की ये देश की राजधानी थी। दिल्ली को उसके लोकेशन की वजह से राजधानी चुना गया, क्योंकि ये शहर उस वक्त देश के सेंटर में आता था, इसीलिए इसे देश की राजधानी बनाया गया। अंग्रेजों के ज़माने में ब्रिटिशर को कोलकाता काफ़ी पसंद था, क्योंकि उस वक्त वो इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे, और ट्रेडिंग की वजह से उन्होंने कोलकाता कोर्ट को काफ़ी पसंद आया था। इसीलिए शुरुआत में उन्होंने सारे कामकाज वहीं से ऑपरेट होने के कारण कोलकाता को देश की राजधानी बना दिया था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर का पूरे इंडिया में रूल होना शुरू हो गया था, और उनका चाइना लेन देन कम हो गया, जिसके बाद उन्होंने वापस दिल्ली को अपनी राजधानी बना दिया। और उस दौर में 6 महीने देश की राजधानी दिल्ली होती थी और 6 महीने शिमला, क्योंकि ब्रिटिशर को शिमला बहुत ही काफ़ी पसंद था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया एक ही देश थे। तो दिल्ली लोकेशन वाइस देश के बीचों बीच पड़ती थी, और अलग अलग स्टेट के दिल्ली तक पहुंचने में एक जैसा ही समय लगता था, क्योंकि उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए लगभग सभी लोगों को एक ही तरह के समय दिल्ली पहुंचने में लगता था। अब चूंकि दिल्ली पहले से ही देश की राजधानी रही है, इसीलिए वहाँ का माहौल शुरू से राजनीतिक था, और आज भी दिल्ली को राजनेताओं का हब कहा जाता है। तो यह गलत नहीं होगा कि आज दिल्ली की पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे देश की कैपिटल दिल्ली को किसी दूसरे जगह शिफ्ट करने का सोचा जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा करना पॉसिबल है? अगर असल ज़िंदगी में देखा जाए तो क्या हमारे देश का कैपिटल चेंज करना इतना आसान है? तो आइए जानते हैं। वैसे तो देश का कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दुनिया भर में बहुत सारे देशों ने ऐसा किया है, और पूरे का पूरा कैपिटल शिफ्ट किया गया है। कैपिटल को शिफ्ट हो पाना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। ऐसे में आज देश के हालात ऐसे हैं, दिल्ली हमारे बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक हो चुकी है, जो हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन देश दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। दूसरी बात, दिल्ली बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी है, साथ ही साथ कि यहाँ बहुत पॉल्यूशन भी है। आज ये पॉलिटिकल पावर कम्युनिकेशन बन चुका है, और कभी कभी तो दूसरे राज्यों के सारे डिसीजन रिमोट एरिया डिसीजन दिल्ली से ही होकर दिए जाते हैं, जो कि इन राज्यों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पॉपुलेशन के कारण दिल्ली का वेदर काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है, और वहाँ क्राइम रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इन सभी कारणों से कैपिटल शिफ्ट करने की बात चल रही है, लेकिन अगर हम ज़मीनी तौर पर देखें तो कैपिटल का पूरी तरह से शिफ्ट हो पाना हमारे देश में तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, ऐसा करना बहुत बड़ा रिस्क लेना है, क्योंकि इसके लिए पूरी की पूरी न्यू सिटी बिल्ड करनी होगी, और अगर एग्जिस्टिंग सिटी कैपिटल बना दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे सरकारी दफ्तरों की कंस्ट्रक्शन, सड़कें, VIP सुविधाएं, सिक्योरिटी, सभी में करोड़ों का खर्च और बहुत सारा समय लग जाएगा। कई बार बड़े शहरों को देश की कैपिटल बनाने की बात कही गई, जैसे नागपुर, प्रयागराज, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, इन सिटी का नाम काफ़ी बार सेलेक्ट किया गया। लेकिन अगर इन्हें कैपिटल बना दिया गया तो
यहाँ भी वही चीजें वापस से शुरू हो जाएंगी जो दिल्ली में होती आ रही हैं। और कोई भी शहर कैपिटल बनाया जाए तो आखिर में दिल्ली बनकर रह जाएगा। वहाँ पर सिर्फ पॉल्यूशन, क्राइम, ओवर पॉपुलेटेड समस्या बढ़ जाएंगी। खैर, ये तो निगेटिव पॉइंट हुई। नई नई कैपिटल बनने का कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है। पहली बात यह तो कि देश का पॉलिटिकल सीन काफ़ी ज़्यादा सेल्ड और सॉकेट हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक माहौल से निकलकर एक अलग शांति का माहौल होगा, जिससे सोशल एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा संभलेगा। शहर में वीआईपी कल्चर की शुरुआत भी हो जाएगी, क्योंकि पहले भी कैपिटल बदलने की बहुत बार कोशिश की गई है। दिल्ली की राजधानी को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिफ्टिंग इतिहास में की गई थी और ये काफ़ी ज़्यादा फेलियर बनकर सामने आया था। हिस्ट्री में कैपिटल शिफ्ट करने की वजह से बड़े बड़े एम्पायर गिर गए, इसलिए कभी किसी ने कैपिटल शिफ्ट करने की हिम्मत नहीं की। अब जानते हैं कि कैपिटल शिफ्ट करने के फैक्ट। अगर दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट हो जाए तो वहाँ जो हेडक्वार्टर और जो ऑफिस है उनका क्या होगा, और किसी दूसरे शहर को कैपिटल बना भी दिया जाए तो वहाँ वापस से बड़े बड़े हेडक्वार्टर और ऑफिस बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का खर्च आएगा। एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र को ले सकते हैं, जो अपने दो कैपिटल के साथ काम करता है। उसका विंटर कैपिटल नागपुर है। नागपुर में जब से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कैपिटल शिफ्ट की है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। साथ ही साथ दो दो कैपिटल होने की वजह से महाराष्ट्र को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। कई आईपीएस और आईएएस ऑफिसर का कहना है कि महाराष्ट्र की दो ऑफिस कैपिटल बनने का ख्याल बिल्कुल ही सही नहीं है, पैसे बर्बाद करने वाला आइडिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो दो दो कैपिटल के साथ काम करता है, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में वहाँ इतना बर्फ पड़ जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाता है। अब लॉजिकली आपने जान लिया कि कैपिटल शिफ्ट करना कितना हमें महंगा पड़ सकता है। लेकिन अगर एक इमोशनली बात की जाए तो दिल्ली से हमारे बहुत सारे इमोशनल जुड़े हुए हैं। हम दिल्ली को हजारों सालों से कैपिटल देखते हुए आ रहे हैं। ऐसे में आज तक किसी भी नेता ने, किसी बड़े ऑफिसर ने इस बात को, यानी कैपिटल शिफ्ट करने की बात को कभी खुलकर नहीं कहा। और लीगली और ऑफिशली ये काम मुमकिन है, लेकिन लॉजिकली और प्रैक्टिकली ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे देश की राजधानी को क्या कैपिटल को चेंज कर देना चाहिए? अगर कर देना चाहिए तो हमारी कैपिटल नेक्स्ट कौन सी शहर होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।